Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. आज हमारा तिरुवनंतपुरम में दूसरा दिन और हम आ गए हैं लाइट हाउस विजिट करने के लिए। हम पहुंच गए हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन कोवलम लाइट हाउस। तो ये रहेगी यहाँ की टाइमिंग, ये रहेगी यहाँ की एंट्री चार्जेस। तो अभी हम जा रहे हैं इनकी पार्किंग एरिया में। एंट्री चार्जेस 20 रुपीज फॉर एडल्ट, 10 रुपीज फॉर पार्किंग एंड 10 रुपीज फॉर फोटोग्राफी। तो आप जैसे ही अंदर की तरफ एंटर करोगे कि हमें ये ह्यूज सा लाइट हाउस बाहर से ही दिख जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड टाइम है जब मैं किसी लाइट हाउस में विजिट कर रही हूँ। इससे पहले जो है मैंने रामेश्वरम में लाइट हाउस देखा था। तो जैसे कोई भी लाइट हाउस आप जाते हो, उससे पहले आपको अपने फुटवेयर बाहर ही रखने होते हैं और आपको अपनी टिकट जो है वो इन लोगों को दिखानी होती है। और लाइट हाउस में लिफ्ट की भी फैसिलिटी होती है, स्टेयर की भी फैसिलिटी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे जाओगे। अब हम लेंगे लिफ्ट क्योंकि बहुत वॉक करना होगा। आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, स्टेयर से भी जा सकते हो, बट हम जाएंगे लिफ्ट से क्योंकि अभी हमें बीच में भी जाना है। लाइट हाउस जाने के लिए दो फ्लोर जो है स्टेप चढ़ के जाना होगा। तो ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप स्टेयर लेते हो या लिफ्ट लेते हो। तो रामेश्वरम में हमारा बैंड बज गया था, इसलिए हम जो है लिफ्ट सोचे हैं अच्छा ऑप्शन है। अभी आपको ऊपर से नज़ारे दिखाते हैं। और जैसा आपको पता है कि केरला फेमस है अपने कोकोनट ट्री के लिए, तो लाइट हाउस से आपको कुछ ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। चारों तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, सामने में ये ह्यूज सा सी देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ भी जाएंगे, इस बीच को कोवलम बीच कहा जाता है। और गाइज यहाँ से नज़ारे कुछ अलग ही थे, तो यहाँ आना तो वर्थ इट है। तो मैम आप सबको बोलूँगी, अगर आप कोवलम आ रहे हो तो कोवलम बीच प्लस लाइट हाउस तो आप विज़िट करो ही करो। तो अभी हम जो है नेक्स्ट जाने वाले हैं कोवलम बीच, जो कि आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना ना भूलो, ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इससे पहले जो है मैंने वर्कला एक्सप्लोर किया है, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं कि केरला का जो मेरा ट्रिप था वो कैसा था। और ट्रस्ट मी गाइस, इस बार का केरला का ट्रिप मेरा मेमोरेबल था, बहुत ही मज़ा आया। और जो भी लोग कोवलम बीच और लाइट हाउस एक्सप्लोर किए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप ये प्लेस तो एक बार विजिट करो ही। और ये कोवलम लाइट हाउस के ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में आपको पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये आम पब्लिक के लिए भी ओपन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी जा सकते हो। तो हमारा प्लान है लाइट हाउस के बाद हम जाएंगे कोवलम बीच, और कोवलम बीच के बाद हम जाएंगे पोर्ट देखने के लिए। तो मैंने जो अपने लाइफ में फ़र्स्ट बार पोर्ट देखा है, और लाइट हाउस तो मेरा ये सेकेंड टाइम है। तो किसी भी लाइट हाउस के ऊपर से आपको नज़ारे कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं और बहुत ही मज़ेदार नज़ारे होते हैं। तो चलिए आपको लाइट हाउस के ऊपर से दिखाते हैं कि कौन कौन से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लाइट हाउस पे खड़े हो तो राइट हैंड साइड में आपको
कोल्लम बीच देखने को मिलेगा। तो अभी हम जस्ट यहाँ के बाद कोल्लम बीच ही जाने वाले हैं और ऐसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपको पूरा सी व्यू देखने को मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पोर्ट देखने को मिलेगा जो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया। और आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है यहाँ से नेचर को निहार रहे हैं। तो आज मॉर्निंग में ही मैं वर्कला से तिरुवनंतपुरम आई हूँ और यहाँ आकर मैं एक्सप्लोर करने आ गई हूँ कोल्लम बीच। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वर्कला के जैसा यहाँ पे भी बहुत वाटर एक्टिविटी करवाई जाती है। तो अगर आपको जानना है कि मैंने वर्कला में कौन कौन सी एक्टिविटी की है तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कोल्लम बीच में स्कूबा डाइविंग करवाई जाती है, लगता है फिर से मुझे कोल्लम बीच आना पड़ेगा स्कूबा डाइविंग के लिए। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ की टाइमिंग है तो ऑलरेडी 5 o'clock हो गया है और गार्ड साहब ने हमें सीटी मार मार कर लाइट हाउस से नीचे उतरवा दिया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस साइड से आपको किस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप जहाँ भी देखोगे आपको सिर्फ व्यू ही व्यू मिलेगी और नेचर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो अभी मैं बैठ कर यहाँ की खूबसूरती को निहार रही हूँ। तो तिरुवनंतपुरम का ब्लॉग काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, बट जितने प्लेसेस हो सके वो मैंने कवर किया और मैंने सच में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये था पूरा तिरुवनंतपुरम का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अब आज के बाद से आपको बैंगलोर का ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।